ऐसे पहले प्रेस कर देते हो समोसे को? हाँ जी प्रेस कर देते जी, पूरा प्रेस कर कर। हाँ जी, भटूरे के पेट के अंदर। हाँ जी, और उसके बाद सेकते हैं इसको? सेकते हैं जी। दिखाना जादू, दिखा दो मसल पावर। दिखा के भाई ने भटूरे के अंदर समोसा डाल दिया। भटूरे के अंदर ये समोसा देते हैं धीमी धीमी आंच में। और आपका तेल इतना काला क्यों रखा है? साफ है जी, काला नहीं है, साफ है। देखो जी, तो ये क्या पूरी बारात के लिए खाना बनाते हैं? ये लो भाई साहब, चेक कर लो, ये देख लो जनाब। तो कितने लोग आते हैं दिन में? 20,000 आदमी आते हैं। 20,000 आदमी आते हैं। कर रहा दिल नाच रहा भाई। ये लो भाई साहब, ये क्या कर रहे हो? ये समोसे वाले भटूरे के अंदर समोसा डाल रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। माना कि आपकी 50-60 साल पुरानी शॉप है, तो इसका मतलब आप कुछ भी उल्टा सीधा लोगों को बना के थोड़ी ना खिलाएंगे? नहीं जी, सही चीज खिलाते हैं जी, अपनी अपनी चॉइस है, सही चीज खिलाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अब ये क्या डाल रहे हैं भटूरे के अंदर? टिक्की डाल रहे हैं जी। टिक्की डाल रहे हैं? टिक्की डाल रहे हैं जी। ओ भाई साहब, ये चेक कर लो यार। और ये कब से दीवानगी चला रखी है आपने? कब से चल रहे हैं जी। और कौन कौन से भटूरे मिलते हैं आपके पास? पनीर वाली है जी, पिट्ठी वाली है जी। अच्छा, सारे जी अपनी अपनी चॉइस है जी खाने की। ये समोसे वाला बना के दिखाना यार, मेरे को लगा आप ऐसे ही बनाई जा रहे हो। क्या दीवानगी है। तवे में सेकते हैं जी। इसको तवे में सेकते हैं? हाँ जी। ऐसे पहले प्रेस कर देते हो समोसे को? हाँ जी, प्रेस कर देते जी, पूरा प्रेस कर कर। हाँ जी। और ये भटूरे के पेट के अंदर? हाँ जी। और उसके बाद सेकते हैं इसको? सेकते हैं जी, सेक खोल के धीमी धीमी आंच में। हाँ जी, हाँ जी। तो आइडिया, थॉट कंसेप्ट आइडिया किसका था? तो पहले सीखा हुआ जी। अच्छा, कहाँ से सीखी आपने? टेक्नोलॉजी चोरी कहाँ से करी? कहीं से चोरी नहीं करी? नहीं जी। क्या बात है। तो ये सिलसिला रहता है, समोसे वाले भटूरे हो गए आपके पास, और टिक्की वाले भटूरे हो गए, और क्या क्या रहता है आपके पास खाने पर? पनीर वाले भटूरे है जी। अच्छा जी, ये गर्मा गर्म भटूरे निकलते रहते हैं लाइव, यहाँ पर लोग आते रहते हैं दीवानों, ऐसे खाते हैं। क्या बात है भाई साहब। और ये भटूरे आटे के रहते हैं कि मैदे के रहते हैं? मैदे के होते हैं जी। मैदे का? मैदे की। और ये भाई इतनी घुंधक में नूडल्स की बना रहा है जी? जी, गुस्सा रखा आपने, खपा, आपसे लड़ाई कर ली थी? नहीं जी, कोई लड़ाई नहीं है जी, भाई भाई बन के काम करते हैं। भाई भाई का प्यार है। तो इसमें दाल की पिट्ठी भी डालते हैं? हाँ जी, डालते हैं। सूजी? तो सूजी वाले मैदे वाले नहीं है। तो लोगों का जमावड़ा लगा रहता है, भीड़ रश रहती है। तो कितने बजे ओपन करते हैं शॉप को? सुबह 9 बजे जी। हाँ जी, सुबह 9 बजे। 9 बजे। और ये क्या चीज़ है ब्रदर? ये डीजल है जी। हाँ जी, डीजल? डीजल है जी। और आपका तेल इतना काला क्यों रखा है? साफ है जी, काला नहीं है, साफ है। देखो जी, साफ है। कौन सा ऑयल यूज करते हो? गिल्ली जी। हाँ जी, गिल्ली। अच्छा, क्या बात है। और कौन कौन सी आइटमें रहती हैं आपके पास खाने की? टिक्की है जी, चाट है, दही भल्ले है जी, पापड़ी चाट है। अच्छा, डोसा है, भटूरे है, पूरी है। ओ भाई साहब, ये पतीला देख लो, छोले जी इसके अंदर। कौन से छोले रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, चला के दिखा दो। क्या बात है, ये तो आपसे ही बड़ा पतीला है। देख लो जी, पनीर के छोले बनते हैं, व्हाइट चने रहते हैं। हाँ जी, व्हाइट चने। तो ये क्या पूरी बारात के लिए खाना बनाते हैं? हाँ जी, पूरी बारात। तो कितने लोग आते हैं दिन में? कितने इंसान आते हैं खाने के लिए यहाँ पर? कम से कम 15-20 हज़ार आदमी आते हैं। तो दिन में कितनी बारी खत्म होता है पतीला? दो टोपिया खत्म होते जी, 35-40 किलो खत्म हो जाते जी। तो 40 किलो दाल लग जाती है? हाँ जी। तो लोग कड़ी चावल में खाते हैं कि समोसों के साथ खाते हैं? खाली छोले भटूरे के साथ खाते हैं जी। अच्छा, क्या बात है भाई साहब, मेला लगा रहता है ना, तो लोग सबसे ज्यादा आपके भटूरे खाते रहते हैं। शाम के 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज जाए, समोसे खाते रहते हैं। तो कितने बजे शुरू होती है दुकान? कितने बजे खोलते हैं? 9 बजे शुरू होते हैं जी। अच्छा, सुबह 9 बजे? हाँ जी, रात में 9 बजे बंद हो जाते हैं। रात के 9 बजे बंद होती है जी। तो सपने में भी आपको भटूरे देखते हैं समोसे वाले? सपने में नहीं आते जी। सपने भटूरे के आते हो, किसी चीज के नहीं आते हैं। तो क्या प्राइस रहता है सर इसका? सर 60 रुपये प्लेट है जी। 60 रुपये प्लेट। और जो ये भटूरे जो आपके समोसे वाले टिक्की वाले, उसका क्या प्राइस? 50 के प्लेट है जी। हाँ जी, 50 की प्लेट है। 50 रुपये प्लेट है? हाँ जी, जी। क्या बात है। तो मेरे लिए लगाइए आप, एक प्लेट बना के दिखाइए। आ जाओ जी, बना के दिखा देते हैं। ये लो भाई साहब, ये समोसे वाला भटूरा लगने जा रहा है। मसल पावर दिखा के भाई ने भटूरे के अंदर समोसा डाल दिया। ये लो भाई साहब, चेक कर लो, ये देख लो जनाब। अब ये आ गए प्लेट के ऊपर। और छोलों में किस चीज़ का तड़का लगाते हैं? प्याज से जी। प्याज का बस? हाँ जी, प्याज टमाटर। कुछ खास नहीं रहता? नहीं जी। पर फिर भी लोग खाने के लिए आ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इसके साथ छोले दे देंगे, और क्या देंगे खाने के लिए? चटनी, हरी चटनी, प्याज। हरी चटनी, प्याज। ओ भाई साहब, सब्जी, कद्दू का सब्जी हो गया जी। कद्दू की सब्जी? हाँ जी, हाँ जी। ये कैसे बनाते हैं? खट्टी मीठी? मीठी होता है जी। अच्छा जी। और वो पीछे आपने पहाड़ बना रखा, वो किस चीज़ का? वो तो मसाले मसाले रखने वास्ते है जी। मसाले मसाले। ये लो जनाब, इसका प्राइस क्या? प्लेट तो रेडी होगी हमारे समोसे वाले भटूरे की? 60 रुपये प्लेट है जी। 60 रुपये प्लेट है, क्या बात है। ये है समोसे वाला भटूरा, ये देखो, दिखाना जादू, दिखा दो। भटूरे के अंदर ये समोसा देते हैं भाई साहब, बहुत दीवानगी लगी रहती है। पिछले 50 सालों से ये खिला रहे हैं, और ये कहाँ से खाना, ये शुरू कहाँ से करना है और अंत कहाँ पर करना है, इसका पता नहीं लग रहा। आप बता सकते हैं भाजी? ये तो सरप्राइज है जी, भटूरे के अंदर समोसा सरप्राइज है जिसको। और ये लॉटरी है भाई साहब, जिसको ज्यादा भूख लगी उसका तो दिल खुश हो जाएगा। लोग तो आईपीएल मैच देखने से पहले ना, पहले इनका समोसे वाला भटूरा चेक करते हैं, हमेशा टेस्ट करते हैं। देखो, पहले भटूरा आ गया,
फिर समोसा आ गया, उसके अंदर आलू आ गया, ये गर्मा गर्म दाल आ गई। ओए होए होए, मुंह में पानी आ रहा है आपके। आ रहा है मुंह में पानी? जल्दी से कमेंट में बता दो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाढ़ पूरी भाजी, मैं कमेंट्स में पूछ रहा हूँ, अभी तक कमेंट शुरू ही नहीं हुए। वीडियो डलेगी तभी तक कमेंट शुरू होंगे। और ये मिश्रण जब ये चार पाँच मुँह के अंदर जाएगा ना, स्वाद का गोला एकदम से जबरदस्त घूमेगा, और आप भी बोलोगे वाह यार एच एन बी भाई, तूने तो कमाल ही कर दिया। बहुत टेस्टी यार, ये तो चमत्कार है, पूरे चंडीगढ़ में ऐसा कोई नहीं देता। चमत्कार होगा, नमस्कार होगा, पर ये जो इतना स्वादिष्ट बनाया ना उन्होंने, मुझे लगा आम टेस्ट होगा, पर आम टेस्ट नहीं भाई, नज़ारेदार। डांस कर रहा है दिल, नाच रहा है भाई। मैं तो पैक करा के लेके जाऊंगा, ये अल्टीमेट फूड है। बने रहो, देखते रहो एच एन बी स्ट्रीट फूड, नवी नवी वीडियो से आते रहेंगे और नवा नवा फूड दिखाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। और किसने खाने के लिए आना होगा, कहाँ पर आएगा, लोकेशन एड्रेस बता दो। सदर बाजार 19 सेक्टर, सदर बाजार, सदर बाजार। और मार्केट का नाम, शॉप का नाम क्या है? गुड्डू फास्ट फूड।